नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेलन कॉलेज चक्करधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पेपर से रिलेटेड है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रशुल्क के बारे में जानेंगे कि इष्टतम प्रशुल्क के बारे में समझेंगे कि इष्टतम प्रशुल्क यानी कि ऑप्टिमम टेरिफ क्या है, इसे कैसे निर्धारित किया जाता है। तो जिस तरह की मैंने अपने पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रशुल्क क्या है, तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रायः कोई भी देश जब प्रशुल्क लगाता है तो इससे क्या होती है, उस देश की व्यापार की शर्तों में अनुकूल प्रभाव पड़ता है, उस देश की व्यापार की शर्तें अच्छी हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो वस्तु की मात्रा है उसकी कमी हो जाती है, यानी कि वस्तु का जो वो आयात कर रहे हैं वो आयातित वस्तु की मात्रा में कमी हो जाती है। तो इस तरह से जब कोई देश प्रशुल्क लगाता है तो इससे क्या होता है कि एक और तो उसकी व्यापार की शर्तें अनुकूल हो जा रही है और दूसरा जो है व्यापार की मात्रा जो है वो कम हो जा रही है। तो प्रशुल्क लगाने से जब व्यापार की शर्तें अनुकूल होती है तो इसे हम लोग प्रशुल्क का धनात्मक प्रभाव कहते हैं और जो व्यापार की मात्रा कम हो जाती है इसे प्रशुल्क का ऋणात्मक प्रभाव कहते हैं। तो इष्टतम प्रशुल्क होने के लिए ये जरूरी है कि प्रशुल्क लगाने से जो धनात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो ऋणात्मक प्रभाव से अधिक हो। प्रशुल्क के संबंध में हम लोग देखेंगे कि प्रोफेसर सोडरस्टर्न का कहना है कि अगर किसी देश के साथ में मुक्त व्यापार होता है और वह देश प्रशुल्क लगाता है तो इससे उस देश के कल्याण में वृद्धि होगी। तो उनका कहना है कि प्रशुल्क लगा के देश जो है वो अपने कल्याण में वृद्धि कर सकता है। तो हम लोग यहाँ प्रशुल्क का अर्थ ये समझ रहे हैं कि इष्टतम प्रशुल्क जो है वो वह होगा कि जब कोई देश इष्टतम प्रशुल्क को लगाता है तो प्रशुल्क लगाने वाले देश की जो तटस्थता वक्र है वो दूसरे देश की प्रस्ताव वक्र की स्पर्श रेखा होती है। तो उस बिंदु पर जो प्रशुल्क का निर्धारण होता है वह इष्टतम प्रशुल्क होता है, ऑप्टिमम टेरिफ होता है। तो इष्टतम प्रशुल्क के बारे में और बात करने से पहले हम लोग यहाँ मान्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ मान्यताएं ली गई है जिसमें लिया गया है कि दो देश है, एक इंग्लैंड है और एक जर्मनी है। दो देश दो वस्तुओं का आपस में व्यापार कर रहे हैं। इंग्लैंड जो है वो कपड़े का निर्यात कर रहा है और जर्मनी जो है वो लिनन का निर्यात कर रहा है। इंग्लैंड क्या कर रहा है, जर्मनी से आयातित होने वाली लिनन पर प्रशुल्क लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर जर्मनी बदले में इंग्लैंड पर किसी भी तरह का प्रशुल्क चार्ज नहीं कर रहा है। तो इन मान्यताओं के आधार पर हम लोग प्रशुल्क की व्याख्या और अच्छे ढंग से रेखाचित्र के माध्यम से करते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे कि रेखाचित्र के माध्यम से प्रशुल्क का निर्धारण कैसे किया जा रहा है, इष्टतम प्रशुल्क क्या है। अभी हम लोग जो मान्यताएं बताई गई है उन मान्यताओं के आधार पर इस रेखाचित्र के माध्यम से हम लोग प्रशुल्क की गणना को हम लोग सीखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ओ एक्स एक्सेस में क्लोथ को यानी कि कपड़े को दर्शाया गया है और ओ वाई एक्सेस में लिनन को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ से ओ ओ जी जो रेखा है ये आपकी जर्मनी की प्रस्ताव वक्र रेखा है और ओ ई रेखा जो है ये इंग्लैंड की प्रस्ताव वक्र रेखा है। ओ टी, यहाँ ये जो ओ टी रेखा है ये बता रहा है कि दोनों देश जो है इस ओ टी रेखा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं और यहाँ पर संतुलन का बिंदु ए है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस संतुलन के बिंदु पर यहाँ इंग्लैंड का जो तटस्थता वक्र है टी आई ई, ये इंग्लैंड का तटस्थता वक्र इस ए बिंदु पर टच कर रहा है और अभी दोनों देशों के बीच ए बिंदु पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो लिनन पर प्रशुल्क लगा रहा है, जर्मनी से जो लिनन का आयात वो कर रहा है उस पर इंग्लैंड प्रशुल्क लगा रहा है। तो अब इंग्लैंड की प्रस्तावित रेखा जो है वो चेंज हो जाएगी, देखिए हम इंग्लैंड का प्रस्तावित रेखा को खींच रहे हैं,
जो प्रशुल्क लगाने से चेंज हो गई है, अब प्रशुल्क लगा के ये ईवन बन गई है। देखिए इंग्लैंड प्रशुल्क लगाया तो इंग्लैंड का प्रस्ताव रेखा यहाँ पर चेंज हो गई है। अब क्या हो गया है, अब इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार की शर्तें हैं वो उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो जो पहले ओटी रेखा थी, अब ओटी रेखा यहाँ पर OT1 बन गई है। देखिए दोनों देशों के बीच में जो व्यापार की शर्त की जो रेखा थी उसमें भी परिवर्तन हो गया, पहले वो ओटी थी और अभी जो है वो OT1 बन गई है। अब क्या हो गया है कि अब इस बिंदु पर इंग्लैंड का जो तटस्था वक्र है वो भी इस बिंदु पर शिफ्ट हो गया। देखिए इंग्लैंड का तटस्था वक्र TIE. वो भी यहाँ शिफ्ट हो गया और ये हम लोग को मिल गया बी बिंदु। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बी बिंदु पर अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। इंग्लैंड जब टैरिफ लगा रहा है तो इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र शिफ्ट होकर OE1 बन गया है और ये दोनों के व्यापार की शर्त की रेखा भी नई बन गई है OT1 और इंग्लैंड का तटस्था वक्र जो है वो यहाँ आ गया है। तो इस तरह प्रशुल्क लगा के इंग्लैंड को बेनिफिट हुआ है। किस प्रकार बेनिफिट हुआ है, इंग्लैंड पहले इस नीचे तटस्था वक्र में था, ए बिंदु पर था और अभी इंग्लैंड जो है वो ऊंचा तटस्था वक्र, इस ऊंचे तटस्था वक्र में आ गया है और अभी ये बी बिंदु पर वो व्यापार कर रहा है और इसके साथ साथ व्यापार की मात्रा भी कम हो गई है। तो इससे क्या हुआ है कि व्यापार की शर्तें भी इंग्लैंड के फेवर में हो गई है और प्लस व्यापार की मात्रा भी कम हो गया है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रशुल्क जो उसने लगाया है ये उसके लिए इष्टतम प्रशुल्क है क्योंकि इंग्लैंड जो है वो ऊंचा उदासीनता वक्र पर पहुंच गया है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि प्रशुल्क के माध्यम से देश जो है वो अपने कल्याण को अधिकतम बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह इष्टतम प्रशुल्क वह प्रशुल्क है जो देश को उस व्यापार उदासीनता वक्र पर ले जाए जो दूसरे देश के प्रस्ताव वक्र को स्पर्श करता है, जैसे इंग्लैंड ए बिंदु से बी बिंदु पर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि प्रशुल्क लगाने से कैसे लाभ हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि जब एक देश प्रशुल्क लगाता है लेकिन दूसरा देश का प्रस्ताव वक्र जो है वो पूर्ण लोचदार रहता है तब क्या होगा। जैसे देखिए हम लोग अब दूसरा डायग्राम, ये जो दूसरा डायग्राम है ये दूसरा डायग्राम आप लोग अभी देखिए, इस दूसरा डायग्राम में हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि OG जो है ये जर्मनी का प्रस्ताव वक्र है, ये क्या है, ये पूर्ण लोचदार से कम है। ठीक है, यह अनंत रूप से ये लोचदार है। तो अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पर इंग्लैंड का ये मैं बनाए इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र, देखिए यहाँ OE इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र है और OG जो है ये आपका जर्मनी का प्रस्ताव वक्र है, दोनों एक दूसरे से टी बिंदु पर मिल रहे हैं, यहाँ पर दोनों के बीच व्यापार हो रहा है। व्यापार का क्वांटिटी कितना है, OC क्लोथ के लिए और OL लिनन के लिए। अब क्या होगा, अब इंग्लैंड अगर प्रशुल्क लगा रहा है, यहाँ देखिए लेकिन यहाँ जर्मनी का जो प्रस्ताव वक्र है वो पूर्ण लोचदार है। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पूर्ण लोचदार नहीं है, पूर्ण लोचदार से कम है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो प्रशुल्क लगाता है तो उसका प्रस्ताव वक्र शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ डॉट डॉट करके मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये E1 बन गया, O से E1, ये आपका इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र, पुराना वाला OE था और अभी OE1 हो गया है। तो अब दोनों का व्यापार इस बिंदु पर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोथ का क्वांटिटी भी OC1 कम हो गया और लिनन का क्वांटिटी भी OL1 कम हो गया, लेकिन इससे जो है किसी भी तरह का बेनिफिट इंग्लैंड को नहीं हो रहा है क्योंकि इंग्लैंड के व्यापार की शर्तों में किसी भी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। प्रशुल्क लगाने के कारण व्यापार की मात्रा में जो है वो
कमी हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इष्टतम प्रशुल्क जो है वो शून्य है, वो जीरो है। तो अब हम लोगों ने ये जो दो डायग्राम देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड जो है वो प्रशुल्क लगा रहा है, लेकिन बदले में जर्मनी जो है वो प्रतिरोधात्मक प्रशुल्क नहीं लगा रहा है। अब अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि इंग्लैंड प्रशुल्क लगाता है अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए, और उसके प्रतिरोध में जर्मनी भी प्रशुल्क लगाएगा अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए, तो क्या होगा? चलिए हम लोग तीसरा डायग्राम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, तीसरा डायग्राम में हम लोगों ने ये जो बनाया है ये ऊपर वाला चित्र के ही जैसा है। यहाँ पर ओ ई जो है ये इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र है, और ओ जी जो है ये जर्मनी का प्रस्ताव वक्र है। पहले यहाँ पर ए बिंदु पर व्यापार हो रहा था, उसके बाद में जब इंग्लैंड ने प्रशुल्क लगाया तो ओ ई रेखा इंग्लैंड की प्रस्ताव वक्र चेंज होके ओ ई वन बन गई, और यहाँ पर बी बिंदु पर व्यापार होने लगा। और पहले टी आई ई तटस्थ वक्र इंग्लैंड का था, अभी नया तटस्थ वक्र टी आई डॉट ई बन गया है अब यहाँ पर। तो इस तरह यहाँ ए से बी बिंदु पर पहुँचने से इंग्लैंड के कल्याण में वृद्धि हो रही है और व्यापार की शर्तें उसके अनुकूल हो गई है। अब हम लोग देखेंगे कि जर्मनी भी अब प्रतिरोध प्रशुल्क लगाएगा इंग्लैंड से होने वाली आयातित वस्तुओं पर। तो अब जर्मनी का भी प्रस्ताव वक्र शिफ्ट होगा, देखिए यहाँ पर हम ओ जी वन लिख दे रहे हैं, यानी कि जर्मनी का प्रस्ताव वक्र शिफ्ट हो गया, क्योंकि अभी जर्मनी भी प्रशुल्क लगा रहा है इंग्लैंड से आयातित वस्तुओं पर। तो पहले जर्मनी ए बिंदु पर था जहाँ पर वो व्यापार कर रहा था, ये उसकी तटस्थता वक्र है टी आई जी। अब जर्मनी जब प्रशुल्क लगा रहा है इंग्लैंड से आयातित वस्तुओं पर, तो जर्मनी यहाँ पहुँच गया टी आई डॉट जी, ये जर्मनी का नया तटस्थ वक्र है। तो इस तरह जर्मनी को बेनिफिट हुआ, पहले वो यहाँ था और अब वो यहाँ पहुँच गया है, तो जर्मनी जो है वो ऊंचा तटस्थ वक्र में आ गया है। और इस तरह से अब जर्मनी के व्यापार की शर्तों में अनुकूल परिवर्तन हुआ है, शर्तों में सुधार हुआ है, और व्यापार की मात्रा कम हो गई है, और जर्मनी के कल्याण में भी वृद्धि हुई है। तो इस तरह जर्मनी जो है वो अनुकूलतम प्रशुल्क लगा। लेकिन अब फिर से इंग्लैंड अगर प्रशुल्क लगाता है तो इंग्लैंड फिर से प्रतिरोधक प्रशुल्क लगाएगा अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए, और उसके बाद जर्मनी भी फिर से प्रशुल्क लगाएगा अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए। तो धीरे धीरे वो लोग कहाँ, जब तक नहीं पहुंच जाते ओ बिंदु पर, तब तक वो लोग एक दूसरे को प्रशुल्क लगाते रहेंगे। जैसे नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ अब फिर प्रशुल्क लगा के यहाँ इंग्लैंड पहुँच गया टी आई डबल डॉट ई, ये इंग्लैंड का नया तटस्थ वक्र यहाँ पर, और जर्मनी भी यहीं पहुँच जाएगा, ये जर्मनी का तटस्थ वक्र टी आई डबल डॉट जी। देखिए यहाँ पर क्या बिंदु डिसाइड हो गया, यहाँ पर एस बिंदु डिसाइड हो गया, तो ये लोग फिर एस बिंदु पर आ गए। इस तरह ये लोग धीरे धीरे करके इंग्लैंड भी प्रशुल्क लगाएगा और जर्मनी भी प्रशुल्क लगाएंगे, और तब तक ये लोग प्रशुल्क लगा लगा के धीरे धीरे इस ओ बिंदु के पास पहुँचते जाएंगे, जब तक कि वो लोग यहाँ ओ बिंदु पर नहीं पहुँच जाते। जब दोनों एक दूसरे के आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क लगा लगा के यहाँ ओ बिंदु तक पहुँच जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा ही नहीं और दोनों देशों को हानि होने लगेगी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब एक देश प्रशुल्क लगाता है और दूसरा देश भी उसके बदले में प्रतिरोध प्रशुल्क लगाता है, तो धीरे धीरे वो लोग इधर ओ बिंदु की ओर पहुँचते जाते हैं अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए, और तब तक पहुंचते रहते हैं जब तक कि वो लोग यहाँ पर मूल बिंदु पर ना पहुंच जाए, जहाँ उन दोनों के बीच में कोई भी स्थिति उत्पन्न होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ एस बिंदु एक ऐसा बिंदु मिलता है जहाँ प्रत्येक देश यह समझता है कि वो इष्टतम प्रशुल्क लगा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, जैसा कि जॉनसन ने कहा है कि अंतिम संतुलन बिंदु कोई भी हो, चाहे एस हो या यहाँ कोई भी हो,
मुक्त व्यापार की तुलना में एक देश को अवश्य हानि होगी, क्योंकि लाभ व्यापार की शर्तों में पर्याप्त सुधार करने पर निर्भर करता है, ताकि व्यापार की मात्रा की हानि से बढ़ जाए, और यह एक साथ ही दोनों देशों के लिए असंभव है और दोनों देशों को इससे हानि ही होगी। ठीक है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर इस रेखा चित्र से ये जाने कि वास्तविक स्थिति में ये भी सत्य नहीं है। कभी भी दो देशों के बीच व्यापार की ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है कि दोनों देशों को हानि हो या दोनों देश इस जीरो बिंदु पर पहुंच जाए जहां वो लोग एक दूसरे से व्यापार ही नहीं कर रहे हों। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि इष्टतम प्रशुल्क क्या है और इस इष्टतम प्रशुल्क को किस तरह से लगाया जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।